हेलो दोस्तों, मैं हूं लवीर। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लवीर का ज्ञान में। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में एडोब फोटोशॉप को डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम लोग फोटोशॉप के एडोब वर्जन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग करना क्या है, आप लोग अपना गूगल ओपन कर लेना है। और जैसे आप लोग गूगल ओपन कर लेते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास काफ़ी लोगों को कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी फ्रेंड्स ने मुझसे फेसबुक में भी पूछा था कि भाई बताओ कि कैसे हम लोग एडोब फोटोशॉप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम लोग फोटोशॉप में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत महंगा, कम से कम 1.5 GB या 1000 GB का मिल जाता है फोटोशॉप, और वो ज़्यादा महंगा और बड़ा हो जाता है, वो डाउनलोड नहीं हो पाता और नेट ख़त्म हो जाता है। तो चलिए मैं आपको आज बताऊँगा कि हम लोग कैसे सिर्फ 200 या 300 MB के अंदर ही एडोब फोटोशॉप को डाउनलोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। आप लोग कोई भी ब्राउजर ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे सर्च करूँगा गेट इनटू PC, और जैसे आप लोग इतना सर्च करते हैं, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे इंटर मार देना है। और जैसे आप लोग इंटर मारते हैं, तो इसके बाद आप लोगों होगा क्या कि आप लोगों को गेट इनटू PC ओपन हो जाएगा। तो आप लोग इस पर क्लिक कर दीजिए, और जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे सर्च वेबसाइट लिखा होगा। आप लोग यहाँ पे एडोब फोटोशॉप 7 को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ही कम में आता है, कम MB में आता है। आप लोग आसानी से इसे कम डाटा में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये आ गया है एडोब फोटोशॉप 7 प्री डाउनलोड। तो आप लोग यहाँ पे आइए और इस पर क्लिक कर दीजिए। और जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, तो ये आप लोगों को एक नया पेज दिखाएगा। यहाँ पे आप लोगों को होगा क्या कि आप लोगों को नीचे जाना होगा। और जैसे आप लोग नीचे जाएंगे, तो उसके बाद आप लोगों को ये देखिए, आप लोगों को फोटो दिख रहे होंगी, और यहाँ पे आप लोग नीचे डाउनलोड के लिंक पे क्लिक कर दीजिए। और जैसे आप लोग इसके डाउनलोड के लिंक का क्लिक करते हैं, तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, या तो फिर आप लोगों को डायरेक्ट डाउनलोड होने लगेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये अभी मुझे नेक्स्ट पेज पे ले गया है। और जैसे इसके आगे होता है, मैं आपको देखिए, आप लोग यहाँ पे 160 MB का आ गया है। तो मैं इसे पॉज कर देता हूँ, या फिर मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले से इसे डाउनलोड कर रखा है। आप लोग भी इसे डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों का अपना जहाँ पे डाउनलोड हुआ है, या फिर आप लोग गूगल से डायरेक्ट जा सकते हैं, तो जहाँ पे डाउनलोड हुआ है वहाँ पे जाना है। और आप लोगों को वहाँ से जो आप लोगों को फाइल मिली है डाउनलोड होने के बाद getintopc.com, तो आप लोगों को कुछ ऐसी फाइल मिलेगी। तो मैं इसे आप लोगों को और अच्छे से दिखा देता हूँ। तो आप लोगों को ये ऐसी फाइल मिलेगी। तो आप लोग यहाँ पे आइए और इस पर क्लिक कर दीजिए। और जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, तो आप लोगों का होगा क्या कि आप लोगों को पूछेगा कि डू यू वांट टू अलो दिस ऐप फॉर मेक चेंजेस ऑन योर PC। तो आप लोग इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो ये अभी हो रहा है, और जैसे हो जाता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या करना है। तो ये शायद अभी टाइम लेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने इतना कर लिया है, तो आप लोग इसे डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोगों के यहाँ पे अनजिप पे क्लिक करना है, उसके बाद आप लोग अनजिप कर लीजिए। और जैसे आप लोग ऐसे अनजिप कर लेंगे, तो उसके बाद आप लोगों को ये अनजिप हो मिल जाएगा। और जैसे ही आप लोगों को अनजिप हो मिल जाए, बाद आप लोगों को इसे बस सिंपली, जैसे आप लोग हर एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही इंस्टॉल इसे भी कर सकते हैं आसानी से। और मैं आपको बता दूँ कि मेरे चैनल पर मैंने अब गेम्स के वीडियोज़ भी डालना स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोग से आसानी से देख सकते हैं और गेम्स को भी एंजॉय कर सकते हैं। और जैसे ही आप लोगों का अनजिप हो जाए, तो आप लोगों को फोल्डर के बारे में बताएगा जहाँ पर आप लोग फोल्डर ब्राउज करके ले गए होंगे, या फिर आप लोगों जहाँ ब्राउज नहीं किए ले गए हैं, तो आप लोग वहाँ भी जा सकते हैं डायरेक्ट। और वहाँ से आप लोग, पहले मैं आपको बता दूँ कि आप लोग ब्राउज करके आप लोग एक अच्छा सा फोल्डर चूज़ कर लीजिए, उस पर ही आप लोग इसे अनजिप कर लीजिएगा। मैं आपको इसके आगे नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैंने पहले से इसे डाउनलोड रखा है, इंस्टॉल कर रखा है। तो आप लोग भी इसे डाउनलोड
इंस्टॉल कर लीजिए, और जैसे आप लोग डाउनलोड हो जाएगा तो ये आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। बस सिंपली आप लोग डाउनलोड करना है और उस पर अपना नाम डाल देना है और ये सब कर लेना है। फिर आप लोग इतने तो होशियार हैं कि आसानी से इसे अपना कर लेंगे, और जैसे ही इतना हो जाए तो उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि मेरा ये अबाउट फोटोशॉप, ये मिस्टर लोबीर सिंह लोबीर की दुनिया, मैंने ये सब डाला था इसमें। तो आप लोग भी इसे डाल देंगे तो आप लोगों को कुछ ऐसे ही पूरा बन के आ जाएगा। और जैसे ये धीरे से ओपन हो रहा है, धीरे धीरे अब ये ओपन हो चुका है। आप लोग यहाँ से फाइल में जाके न्यू पे ओपन करके न्यू फाइल जो चूज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप लोग सब कुछ कर सकते हैं आसानी से। अगर आप लोग, मैं आपको थोड़ा अगर एडोब फोटोशॉप के बारे में बताऊं, तो अगर आप लोग बीच में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों को फाइल में ले जाएगा, और आप लोग वहाँ से फाइल को डाउनलोड मतलब ला सकते हैं अपने फोटोशॉप में और उसे एडिट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एडिटिंग नहीं बताऊँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं आपको थोड़ा और नॉलेज दे दूँ अपने यूट्यूब चैनल के बारे में। तो मैं बता दूँ कि मैं अपने यूट्यूब चैनल में अमेजिंग वीडियोस, अमेजिंग बातों बारे में, इंस्पिरेशनल वीडियोस और सक्सेस स्टोरी, न्यूज और टेक्निकल नॉलेज और स्टडी के नॉलेज, हर प्रकार के नॉलेज मैं आप लेके लेके आता हूँ। मैंने एक ही चैनल इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो और आप लोगों को हर चैनल को सब्सक्राइब ना करना पड़े, और आप लोग एक ही चैनल के थ्रू हर एक नॉलेज ले सकें और आप लोगों को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, और आप लोगों को मैं अच्छे से अच्छी नॉलेज इसी तरह देता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल की आइकॉन प्रेस कर देना ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और कमेंट में आज जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए आज की वीडियो यहीं रोकते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।